हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्र। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 7 जुलाई को सी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है और अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं सी टेट के एग्ज़ाम के लिए। तो आप सभी लोगों ने जो जोर शोर से अभी तक प्रिपरेशन की है, उसका लाइव टेस्ट डेली इस प्लेटफॉर्म पर करवाया जाएगा। सो आप सभी फ्रेंड्स डेली आकर के टाइम टू टाइम इस लाइव टेस्ट को ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे सभी अपडेट्स आपके पास पहुंचती रहे और आप लोग डेली लाइव टेस्ट को ज्वाइन कर सकें। ये डेली लाइव टेस्ट एक स्पीड टेस्ट होगा, जिसमें आप लोगों को जल्दी से जल्दी आंसरिंग करने के लिए मौका मिलेगा और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसे ज्वाइन करेंगे, उतना ही ये आगे एग्ज़ाम में आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल साबित होगा। सो फ्रेंड, चलिए देखते हैं कि देखिए, बाल विकास का 10 बजे से और पर्यावरण का 12 बजे से, गृह शिक्षण का 2 बजे से और हिंदी का 4 बजे से होगा। इसके साथ ही विशेष रिक्वायरमेंट पर हम लोग सामाजिक अध्ययन का भी सेशन चलाएंगे और जिनका सामाजिक अध्ययन है तो उसका भी सेशन चलाया जाएगा। तो फ्रेंड, चलिए देखते हैं कि जो बाल विकास का है वो क्या है और आज से हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो आप सभी लोग इसे ज्वाइन करें। सो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ये जो क्वेश्चंस आप लोगों के सामने दिख रहे हैं, ये बाल विकास के 30 क्वेश्चन हैं और ये 30 क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम में 2011 में पूछे गए थे। देखिए, किसी भी कंपटीशन को, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चंस आए थे, उसी आधार पर एक प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो मैंने जो ये क्वेश्चंस उठाए हुए हैं, ये प्रीवियस ईयर के एग्जाम से ही लिए हुए हैं, तो आप इनके आंसर कीजिए और स्पीड टेस्ट की तरह आप लोगों को आंसर देना है, एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए आंसर देना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं बट कुछ क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट पर आधारित होते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है, शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में। तो सबसे पहले हम लोग कट कर देंगे उन ऑप्शंस को जो बिल्कुल भी मैच नहीं करते हैं। अब देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा जो ऑप्शन है वो शिक्षार्थियों की भिन्न भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, तो ये हमें ऑप्शन सही लग रहा है और चौथे ऑप्शन को भी हम काट देते हैं। तो पहला, तीसरा, पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन हम काटेंगे, तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। मतलब बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है, शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन बताइए आप लोग क्या हो सकता है। सही हो सकता है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, बुद्धि के भिन्न भिन्न पक्षों के लिए सही है या सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2, मतलब लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि पुरुष स्त्रियों के अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, इरफान खिलौने को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए इन्हें अलग अलग कर देता है, आप क्या करोगे? अगर इरफान तोड़ देता है तो उस पर हमेशा नजर रखेंगे, ये तो कोई, अगर आप उस पर नजर रखेंगे तो बच्चा सीखेगा कैसे, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा देंगे। तो यही ऑप्शन इसका सही होगा, क्योंकि बच्चे में जो जिज्ञासा होती है हमें उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है, यह क्या संकेत करता है? सीखने के लिए आकलन, आकलन के लिए सीखना, या आकलन का सीखना, या सीखने का आकलन? तो इसका सही आंसर होगा कि ऑप्शन ए, मतलब कि वो क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और अब वापस आने पर विद्यार्थियों से कहती है कि आप भ्रमण पर चर्चा करिए, तो यह उसकी सीखने के लिए आकलन कर रही है बच्चों के, कि बच्चों ने क्या सीखा, कैसे सीखा, ये उसका आकलन कर रही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं विशिष्ट है, इसका अर्थ है कि विद्यार्थियों में ना तो कोई समान विशेषताएं होती हैं और ना ही उसके लक्ष्य समान होते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। लेकिन विशेषताएं, ना तो कोई समान विशेषताएं होती, कुछ विशेषताएं ऐसी होती हैं जो बच्चों में समान होती हैं और कुछ बच्चों के ऐसे होते हैं जो लक्ष्य भी समान हो सकते हैं। अगला देखिए, सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान पाठचर्या संभव नहीं है, ऐसा भी नहीं है। एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है, ऐसा भी नहीं है।
कोई भी दो विद्यार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते, तो इसका यही ऑप्शन एकदम सही करेक्ट बैठता है कि जब दो विद्यार्थी विभिन्नताओं में समान नहीं होते, उनकी रुचियों में समान नहीं होते और उनके जो टैलेंट होता है वो भी समान नहीं होते। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है इसका आप लोग मुझे आंसर बताइए। विषय वस्तु आधारित प्रश्न, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, एक अत्यंत अनुशासित कक्षा या प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 6 का देखिए, बच्चे की सृजनात्मक उत्तर के लिए क्या आवश्यक है कि विषय वस्तु पर अगर आप आधारित प्रश्न देंगे तो बच्चे में सृजनात्मकता विकसित नहीं होगी। दूसरा है प्रत्यक्ष शिक्षण अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष प्रश्न, ऐसा भी नहीं है क्योंकि हमें सृजनात्मकता की यहाँ पर बात की जा रही है। तो देखिए, एक अत्यंत अनुशासित कक्षा ये भी नहीं होगा, तो मुक्त उत्तर वाले प्रश्न इसका आंसर होगा क्योंकि जब ओपन आंसर दिए जाएंगे तो बच्चे अपनी क्रिएटिविटी के आधार पर आपको आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विद्यार्थियों को ये ब्लैंक स्पेस है यहाँ पे आपको भरना है, के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, किस लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों का सक्रिय रूप से अंतःक्रिया के लिए। अब सबसे बड़ी बात आपको ये ध्यान देना है कि इसमें पूछा है इन्होंने कि नहीं करना चाहिए, जब भी आप आंसर करने जाएं, एग्जाम देने जाएं, तो नहीं जो फोकस किया हुआ है उस पर सबसे पहले अंडरलाइन कर लें। समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करने के लिए, या ये तो हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। दूसरा है अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने। तीसरा है शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों को उत्तर याद करने। हमें इस चीज के लिए बच्चों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए कि जो पूछ सकते हैं केवल आप उन्हीं के उत्तर याद करिए, ऐसा नहीं करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये यहाँ पर दिख भी रहा होगा, 26/6, 26 जून को 2011 को जो सबसे पहली बार सीटेट हुआ था, ये उसी का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है। अब रचनात्मक आकलन की बात की जा रही है तो उपकरण नहीं है, तो रचनात्मक आकलन के लिए देखिए, मौखिक प्रश्न से रचनात्मक प्रश्नोत्तरी व खेल दत्तकार सत्र परीक्षा से फॉर्मेटिव असेसमेंट नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषताओं को देखा जाना चाहिए, विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संविधान के रूप में, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में। तो सबसे पहले हम ये आंसर कट कर देंगे, शिक्षार्थियों के लिए विद्यार्थियों जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में, जटिल लिखा है बिल्कुल कट कर देंगे, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बाधा ये भी कट कर देंगे। तो इसका जो सही आंसर होता है वो है ऑप्शन ए, विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संविधान के रूप में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, विद्यार्थियों के जीवन में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद क्या होना चाहिए, सघन अभ्यास कार, सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सबसे पहले वो आंसर कट कर दीजिए जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए रिक्तियां रह गई हैं बच्चों के सीखने में, तो उनके निदान के बाद क्या होना चाहिए, सभी सघन अभ्यास कार नहीं होगा, सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना ये भी नहीं होगा, शिक्षार्थियों और अभिभावक को उपलब्धि के बारे में बताना, क्योंकि हमें निदान के बाद होना है, तो समुचित उपचारात्मक कार्य, जब भी निदान की बात आए तो वहां पर उपचारात्मक कार्य होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है, कब होता है, तो इसका ये आप सभी लोग जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा कि सबसे ज्यादा जटिल और जटिल समाजीकरण होता है किशोरावस्था में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, अनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है, क्या माना जाता है बताइए आप लोग। तो 20 जो 12 का आंसर है वो होता है ऑप्शन 3, स्थिर सामाजिक अनुवांशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाना चाहिए, जो अनुवांशिकता होती है वो स्थिर सामाजिक संरचना होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था, जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा सबसे अधिक बेहतर सीखता है, निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, या इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। देखिए मैं इसका एक नया वीडियो आपके लिए बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दूंगी, बस 2-3 दिन के अंदर ही, कि पियाजे की जो सभी अवस्थाएं हैं उस पर मैं आपको तुरंत एक वीडियो रेडी करवा दूंगी, तो आप उसको रट लीजिएगा क्योंकि पियाजे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 13 का जो सही आंसर है, देखिए जन्म से 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा इंद्रियों के द्वारा सबसे अच्छा सीखता है, जिसे इंद्रिय गामक अवस्था भी कहते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता। अब यहाँ पर ये देख लीजिए कि नहीं करता, नियम कैसे काम करता है, इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना। समझ के लिए शिक्षण, ध्यान दीजिएगा, समझ के लिए शिक्षण, समानता और अंतर देखने और सादृश्य स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना। अगला है, विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने योग्य बनाना। तो मतलब जहां पर बात आ जाती है याद करने की, तो वहां पर वैसे भी कट कर देते हैं, क्योंकि बच्चे को याद नहीं करवाना है, समझवाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, सीखने का वह सिद्धांत जो क्वेश्चन नंबर 15 है, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के सिद्धांत संबंधित है, तो किससे संबंधित है, विकासवादी, व्यवहारवादी, रचनावादी या संज्ञानवादी। तो देखिए यहाँ पर समझते हैं पहले क्वेश्चन को कि सीखने का वह सिद्धांत, यहाँ पर पूछा गया है कि सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल अवलोकनीय अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, तो केवल अवलोकनीय व्यवहार पर जो आधारित है, तो उस सिद्धांत के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो 15 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, व्यवहारवादी। क्योंकि यहाँ पर लिखा है सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल अवलोकन पर आधारित है, व्यवहार पर आधारित है, तो व्यवहारवादी सिद्धांत होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, और 16 है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों को योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है, अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमें ये देखना है कि उपलब्धि चाहती है और उसे क्या नहीं करना चाहिए। नहीं पर हम सर्कल कर देंगे, उसे आउटलाइन कर देंगे। तनाव को नियंत्रित करना, ये तो करना चाहिए उसको, लेकिन अगला कौन सा है, विशेष ध्यान के लिए उन्हें सह समकक्षियों से अलग करना। तो कभी भी बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्हें उनके समकक्षियों से अलग नहीं करना चाहिए, ये ऑप्शन आपका सही होगा। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है। अब पठन कठिनाई का नहीं है ये देखना है, तो पठन गति और प्रवाह में कठिनाई, तो यहाँ पर पूछा है पठन कठिनाई का नहीं है, तो पठन गति और प्रवाह में कठिनाई का नहीं है, ये वाला ऑप्शन इसका सही होगा। क्योंकि बच्चों को शब्दों को और विचारों को समझने में कठिनाई होती है, ये तो ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन देखिए, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई इसमें भी होती है, वर्ण एवं शब्द पहचान में कठिनाई ये भी होती, लेकिन पठन गति एवं प्रवाह में कठिनाई, प्रवाह में कठिनाई जो है वो नहीं होती है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। अब यहाँ पर भी सबसे पहले आपको जो नहीं है उस पर अंडरलाइन कर देना है, तो इसका देखिए, उन्हें कार्य करने में आनंद आता है, आंतरिक रूप से जब बच्चे प्रेरित होंगे तो उन्हें वास्तव में आनंद आएगा, वे कार्य करते समय उच्च स्वर की ऊर्जा प्रदर्शित करेंगे, बिल्कुल सही करेंगे, वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करेंगे, बिल्कुल सही है, लेकिन जो ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा नहीं, तो इसका मतलब वे हमेशा सफल होते हैं, ये जरूरी नहीं है कि बच्चे हमेशा सफल होते हैं, असफलता भी होती है। तो जो आंतरिक रूप से प्रेरित बच्चे होते हैं, तो उनके लिए जो कार्य नहीं है वो है, वे हमेशा सफल होते हैं, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, विद्यार्थियों का आत्मनियमन की ओर संकेत करता है, किसकी ओर संकेत करता है। 19 का बताइए, विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनियम बनाना, विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनियम या स्व अनुशासन और नियंत्रण, या अपने सीखने का समय स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता। तो आत्मनियमन की ओर जो संकेत करता है वो यही है कि अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की योग्यता बच्चों में होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता। देखिए, नहीं माना जा सकता, सीखने
सीखना कुछ ऐसी चीज है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होता है। तो इसका आप लोगों को आंसर बताना है, 20 का कौन सा आंसर सही होगा। नहीं है तो व्यवहार का अध्ययन सीखना अन्य अधिगम सीखने का एक हिस्सा है, ये भी सही है। सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है, तो व्यवहार का अध्ययन सीखना ये इसका ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि व्यवहार का अध्ययन सीखना सीखने का लक्षण नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, सिद्धांत के रूप में रचनावाद, क्या ऑप्शन सही होगा 21 का, कि दुनिया के बारे में अपने दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है, सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है, शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है, या अनुकरण की भूमिका पर बल देता है। तो सीखने का सिद्धांत जो सिद्धांत के रूप में रचनावाद होता है, वो दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 22 है, सृजनात्मक विद्यार्थी वह है जो बहुत बुद्धिमान है, परीक्षा में हर बार अच्छे अंक लाता है, ये नहीं होगा। ये ऑप्शन जो इसका आप लोग देख रहे हैं इसको कट कर देंगे, इसको ये नहीं होगा। इसके बाद देखिए, सृजनात्मक विद्यार्थी की विशेषता पूछी गई है यहाँ पे, तो परीक्षा में हर बार अच्छे अंक ला, ये भी बिल्कुल गलत होगा। जो पार्श्व प्रेरल चिंतन समस्या समाधान में अच्छा हो, तो जो सृजनात्मक बच्चे होते हैं वो सबसे ज्यादा समस्या को समाधान करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके ढूंढते हैं और समस्या समाधान कर लेते हैं। सो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, थर्ड नंबर का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, 23 है, अवधारणा का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है, बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक या संवेगात्मक। तो 23 का जो सही आंसर होगा वो होगा, अवधारणा का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं, विकास की दर, विकास क्रम, विकास की समान क्षमता या वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों। तो इसका जो सही आंसर होगा, तो जो बच्चे होते हैं वो व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे से विकास की दर से भिन्न भिन्न होते हैं, किसी का विकास किस प्रकार से होता है, किसी का विकास दूसरी प्रकार से होता है, तो जो विकास की दर होती है वो सभी में भिन्न होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है, ये बच्चों के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है, यह कथन गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। गलत है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। तो 25 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3, मतलब कि बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है, यह कथन सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। नहीं है, सबसे पहले मैं इसको अंडरलाइन कर दूंगी। तो 26 का जो सही आंसर होगा, देखिए, अनु क्रमिकता का विकास, ये तो विकास का सिद्धांत है, समान से विशिष्ट की ओर निरंतरता का सिद्धांत, प्रतिवर्ती सिद्धांत विकास का सिद्धांत एक नहीं है, तो जो इसका ऑप्शन 3 होगा वो आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है में निःशक्त बच्चों की शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। तो इसका जो बताइए, विशेष विद्यालयों, मुक्त विद्यालयों, ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालयों या नियमित विद्यालयों। तो 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन 4, नियमित विद्यालयों, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की कि केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है कि बच्चों को नियमित विद्यालयों में भेजना चाहिए, बच्चों को नियमित विद्यालय उपलब्ध कराना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है। तो चार ऑप्शन है आपके सामने, इसमें आपको बताना है, सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। अब दूसरा ऑप्शन देखिए, कि सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता, सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है या बच्चों द्वारा
की गई त्रुटियों यह संकेत करती है कि किस तरह का सीखना नहीं हुआ। तो ऑप्शन देखिए, हमेशा पॉजिटिव आंसर देना है, ये ध्यान दीजिएगा। अगर पॉजिटिव क्वेश्चन पूछे तो पॉजिटिव आंसर देना है, नेगेटिव क्वेश्चन पूछे तो नेगेटिव आंसर देना है। तो सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। ऑप्शन ए इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए विद्यार्थियों की उपलब्धि को मापना या निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाए। सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना, शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना। तो सबसे पहले तो हम इस ऑप्शन को कट कर देंगे क्योंकि कभी बच्चों में त्रुटियां नहीं निकाली जाती हैं। दूसरा है सीखने में होने वाली कमियों का निदान उपचार करना। अब मापन है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, मापन का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना कि बच्चे जो है वो कैसे सीखते हैं, बच्चे कितना सीख रहे हैं ये ध्यान नहीं देना है, लेकिन बच्चे कैसे सीखते हैं इस बात पर ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, विद्यार्थी जो पहले सीख चुके हैं उनकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है क्योंकि। 30 का ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये है देखिए, नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है, पूर्व पाठों को दोहराने का यह प्रभावी तरीका है, यह शिक्षार्थियों की स्मृति को बढ़ाता है जिसमें शिक्षार्थी सीखना सुदृढ़ होता है, यह किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत है। तो इसका देखिए जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उनकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है क्योंकि जो नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना, नई जानकारी को आप लोगों ने बीएड बीटीसी डीएलएड वगैरह किया होगा तो जब आप लोग लेसन प्लान बनाते हैं तो बच्चों के लिए जो टीचिंग में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि पुरानी जानकारी को नई जानकारी से जोड़ना होता है, यही इसका सीखने का एक उद्देश्य होता है, तरीका होता है। तो फ्रेंड्स ये हमारे बाल विकास के 30 क्वेश्चन थे जो 2011 के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे और ये सभी आप लोगों के लिए नियमित क्वेश्चन लाए जाएंगे ताकि आप लोग सीटेट के अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर कर सकें और अब आगे भी और भी ज़्यादा जो सीटेट होंगे तो ये और भी ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ेगा और बहुत ज़्यादा टफ होने की संभावना है। तो आप लोग बिल्कुल जोर लगा करके पढ़िए और सफल होइए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।